उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की भर्ती परीक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। अरबी फारसी समेत कुल 5 विषय हटा दिए गए हैं। इस संबंध में आयोग की ओर से विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इसमें पहली बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती परीक्षा में क्या क्या बदला है। आयोग ने PCS प्रारंभिक परीक्षा में अब तक एक पद के मुकाबले मुख्य परीक्षा के लिए 13 अभ्यर्थियों को पास करने का निर्णय लिया है। पहले एक पद के मुकाबले 18 अभ्यर्थियों को पास किया जाता रहा है। वहीं मुख्य परीक्षा से साक्षात्कार के लिए एक पद के मुकाबले 2 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। पहले यह अनुपात 1:3 का था, यानी एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को पास किया जाता था। आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा से 5 प्रमुख विषयों रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, अरबी, फारसी, कृषि अभियांत्रिकी को हटा दिया गया है। वहीं पहली बार PCS परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी PCS सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2019 और सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन संरक्षक परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी PCS ECF RFO 2019 के विज्ञापन में PCS सामान्य चयन के लिए 300 पद, विशेष चयन के लिए 9 पद, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन संरक्षक के 2 और 53 पदों को शामिल किया गया है। इस तरह कुल 364 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आयोग विशेष परिस्थिति में पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। भर्ती परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी SP, BDO, RTO, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, जिला कमांडेंट होमगार्ड, BSA सहित 100 अलग अलग विभागों के पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में PCS ACF RFO परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2019 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए शैक्षिक अर्हता का निर्धारण किया गया है। परीक्षा के लिए शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा होंगे। सामान्य OBC के लिए शुल्क 100 रुपए और 25 रुपए ऑनलाइन शुल्क यानी कुल मिलाकर 125 रुपए रखा गया है। SC के लिए 40 रुपए शुल्क और 25 रुपए ऑनलाइन शुल्क मिलाकर कुल 65 रुपए का शुल्क रखा गया है। अब आइए नजर डालते हैं इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों पर। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख है 16 अक्टूबर। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख है 11 नवंबर और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 13 नवंबर। अमर उजाला.com